occasion by your presence. I would like to express our heartfelt gratitude. Thank you, ma'am. Please all a round of applause. Thank you, ma'am. Now I'd like to call Ms. Dipti Gupta from Department of Industrial Policy and Promotion. I would like to facilitate a gift of thank you. Now to move ahead in our event, Ms. Dipti Gupta, please come on the stage. Thank you. We have a group photo now. Request Mr. Nopkasan to join. Yes, ma'am. थाईलैंड वीक है जहाँ पर बहुत सारे अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं बिजनेस के बिटवीन इंडिया
हम जब भी कोई छुट्टी प्लान करते हैं तो सबसे पहले थाईलैंड के बारे में सोचते हैं, क्योंकि एक तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, दूसरा वहाँ इकोनॉमिकल बहुत अच्छा है, और तीसरा लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स जैसे यहाँ पर ख़रीदने को मिली। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर थाईलैंड खुद चल के यहाँ पर आया है, जहाँ पर आप बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट्स दे सकते हैं, इनके बहुत सारे ट्रेड डील्स हो सकते हैं और हमें शॉपिंग करने को मिल सकती है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। दे आर एक्सपेक्टिंग अबाउट 2000 पीपल एवरी डे एंड दे आर गिविंग थाई थिंग्स एट द थाई प्राइसेस, व्हिच आई थिंक इज़ अ गुड थिंग। सो या मैं यहाँ पर सबको शुभकामनाएँ देने आई हूँ, और कुछ यहाँ पर आई थिंक हम सब जो भारतीय हैं कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ पर इतने सारे स्टॉल्स हैं एग्जीबिशन में, तो कोई ऐसा स्टॉल जो आपको बहुत अट्रैक्टिव किया हो? मुझे वो अरोमा वाला स्टॉल बहुत अट्रैक्ट किया। आई थिंक फॉर द शेयर फैक्ट के बहुत सूदनिंग है, और आपकी बहुत भाग दौड़ वाली लाइफ में ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। थाईलैंड की बात आए तो टूर एंड ट्रैवल की बात आती, कितना पसंद है आपको टूर एंड ट्रैवल घूमना फिरना, कितना पसंद है? और वहाँ की कोई खास जगह जो आप शेयर करना चाहो जो आपने घूमा और आपको बहुत इन्जॉय किया? देखिए जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जिसको भी घूम सबको घूमने का शौक़ होता है, और सबके मोस्टली पहले ट्रिप्स थाईलैंड के ही होते हैं। एंड हर चीज़ चाहे वो जितनी भी जगहें हों, स्टेट हो, लॉट्स ऑफ प्लेसेस में थाईलैंड एनीवेयर, वो वहाँ का खाना मुझे बहुत पसंद है, और वहाँ के जो हमने बहुत सारी शूटिंग्स की हैं यहाँ पर, सो दैट फील्स लाइक प्रीटी मच होम। सो एवरीथिंग आई थिंक राइट फ्रॉम द मार्केट्स टू द शॉप्स टू द मॉल्स टू द बीचेस टू एनीथिंग दैट यू वांट आई थिंक इज ब्यूटीफुल। कहा जाए कि दिव्या मैम को खाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, खाने में मैं पंजाबी से तो सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। जी दिव्या मैम, आपके फिल्मों का सब सभी से इंतजार कर रहे हैं, सो उसके बारे में ज़रा बताइए, मोंटो के बारे में और पाटे में शुरू हुई उसके बारे में ज़रा बताइए। अभी कतार में 7-8 फिल्में आएंगी एक साथ में, मंटो आएगी ऑफकोर्स, फन्ने खान आएगी अनंत कपूर के साथ, फिर म्यूज़िक टीचर आएगी मानव कौल के साथ, अच्छा रोमांटिक फिल्म, अरशद वर्सी के और जूही चावला के साथ एक थ्रिलर है वो आएगी, अब अनुभव सिन्हा की एक फिल्म है अभी तो पार्टी शुरू हुई है जो कि कॉमेडी है वो आएगी, फिर एक बच्चों की फिल्म है झलकी दैट विल कम, एंड अ फिल्म विद अर्जुन रामपाल। दिव्या मैम ने बहुत सारी फिल्में की, एक से बाद एक हिट हुई है, अगर देखी जाए तो बहुत लंबी लिस्ट, लेकिन कोई एक ऐसा किरदार जो अभी भी आपके मन में है कि मुझे वो निभाना है? बहुत सारे हैं। अभी मुझे गुलजार साहब की सारी तकरीबन फिल्में उनका मैं चाहूँ, ये मेरी विश लिस्ट है कि कभी वो फिल्म डायरेक्ट करें और उसका मैं हिस्सा बन पाऊँ, बिकॉज मुझे उनकी फिल्में बहुत पसंद हैं। मेरी फेवरेट मौसम है एंड आंधी है, सो दैट आई वुड हैव लव टू डू दोज फिल्म्स। और बाकी कितने सारे और खूबसूरत डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ अभी मैंने काम नहीं किया है, बहुत के साथ किया है लेकिन आधी फहरिस्त अभी बाकी है। मैंने फिल्म भी देखी है थोड़ी थोड़ी सी, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म होने वाली है। राजू ऑफकोर्स हमारे फाइनेस्ट डायरेक्टर्स में से हैं, और रणबीर ने इतना कमाल काम किया है, किसी को खुद अपने आप में समा लेना और वो बन जाना आसान काम नहीं है, एंड आई थिंक ही इज़ द बेस्ट वी हैव, सो गुड, एंड आई विश रणबीर, आई विश राजू एंड संजू ऑल द वेरी बेस्ट। रिसेंटली आप बड़ी एक्टिव देखिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे जो सफेद, क्या कुछ कहना चाहती हैं अपने फैंस को, और बारिश भी स्टार्ट हो गई है, क्या कुछ एक्सपेक्ट करती हैं और अपने फैंस? मुझे पिछले एक दो महीने से कुछ बहुत हो रहा है कि सब ठीक कर देना चाहिए हमें, बिकॉज हम बाहर जाते हैं बहुत, तो यहाँ मैं बाहर के लिए आई हूँ, लेकिन हम बाहर जाके बहुत तारीफ़ें करते हैं कि साफ़ है, सब बड़ा ख्याल रखते हैं, हमारा देश बहुत सुंदर है और उसका ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ बनता है, और जो हम नहीं करते हमें लगता है हमारा काम नहीं किसी और का है, तो मैं भी अगर ट्वीट कर दूँ सोशल मीडिया पर बस उतना ही करूँ तो फिर मेरा भी क्या फ़ायदा, सो आई हैव टू डू समथिंग माई सेल्फ, चाहे मुझे बीच पे जाना पड़े सफाई करने, चाहे मुझे कुछ और करना पड़े, आई शुड गो एंड डू समथिंग जो लोग उससे थोड़ा सा कहीं मोटिवेट हों। बारिशें आ रही हैं मुझे लगता है, और रोड सारे खुदे पड़े हैं, तो मैं सबसे गुजारिश करूँगी एक तो रोड्स पहले सही कर दें, और अपने लोगों से गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ ज़रा सफाई रखें, प्लास्टिक ना फेंकें, हमारा देश है, हमारी जगह है, हमारा घर है, इसे साफ़ रखना हमारा कर्तव्य है। तहे दिल से शुक्रिया, इतना सारा प्यार आप मुझे देते हो और हमेशा देते रहें, और एक आपने मुझे छूट दे रखी है कोई भी रोल करने की, तो उससे मुझे बहुत फ्रीडम मिलता है, मुझे लगता है एक पंख है और मैं उड़ सकती हूँ हर जगह, सो थैंक्स फॉर दैट कॉन्फिडेंस, थैंक्स फॉर दैट लव, एंड आई होप आई कीप डूइंग गुड वर्क।